based on for loop statements, based on nested for loops. इस केस में जनरली टू फॉर लूप्स प्रोवाइड किया. फर्स्ट वन इज आउटर लूप, सेकंड वन इज अ इनर लूप. मीन्स लूप्स के केसेस में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी होगा. बिकॉज अगर आपका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है देन इसका आउटपुट ऑलवेज कैसे निकलेगा, रॉन्ग. इन दैट केस फर्स्ट वन के केस में अगर कोई सेमी कॉलन या कर्ली ब्रैकेट फाउंड नहीं हो रहा, देन अगर इसको कंसीडर करें तो कंसीडर कैसे करें, लाइक दैट ओपनिंग. देन किसी भी लूप का बॉडी सेशन टर्मिनेट कब होता है, आफ्टर फर्स्ट सेमी कॉलन. इस लूप के केसेस में एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट फर्स्ट सेमी कॉलन जस्ट आफ्टर i++. तो i++ के जस्ट बाद कंसिडर करेंगे एज अ क्लोजिंग. प्रिंट टैप को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ इस केस में. मीन्स प्रिंट टैप दोनों लूप्स का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होने के जस्ट लास्ट में एग्जीक्यूट होगा. इस फाइनल केस में जब दोनों लूप्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, इसके जस्ट बाद फाइंड आउट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई. मीन्स क्लोज ओपनिंग, दिस वन इज अ क्लोजिंग. देन अगेन इस लूप के केस में, इनर लूप के केसेस में भी बात करें, इनर लूप के अंदर बॉडी पार्ट में ओनली एक ही स्टेटमेंट प्रोवाइड हुआ है i++. दिस वन इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ आउटर लूप. इनिशियली जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग्स फ्रॉम मैन, सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे टू द वेरिएबल आई. व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई, गार्बेज. नेक्स्ट वन सिक्वेंसली, सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड करेंगे, इनिशियलाइजेशन सेशन ऑफ आउटर लूप. देन कंडीशन टेस्टिंग फॉर आउटर लूप. इनिशियलाइजेशन सेशन के अकॉर्डिंग आई में करेंटली वैल्यू साइन हुआ है 1. नेक्स्ट केस में फाउंड क्या रहा, पोस्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग पहले आई का करंट वैल्यू रिप्लेस करेंगे, करंट वैल्यू क्या 1. इमीडिएटली आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. नेक्स्ट वन, लेकिन रिप्लेसमेंट ऑलरेडी किसका हुआ है 1 का, इसलिए कंपेरिजन में किस वैल्यू के लिए हुआ, 1 के लिए. कंडीशन इज ट्रू, ये सिक्वेंस क्या है 3. कंडीशन ट्रू होने के जस्ट बाद चांस किसको प्रोवाइड करेंगे, इनसाइड बॉडी, मीन्स बॉडी ऑफ आउटर लूप. जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल आउटर लूप के बॉडी सेशन में एंटर होगा, मीन्स आउटर सेशन, देन अगेन चांस किसको मिलेगा, इनर लूप को. इनर लूप के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या है 3. देन फोर्थ केस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. अगेन कंडीशन टेस्टिंग के केसेस में i++ पोस्ट है तो पहले आई का करंट वैल्यू रिप्लेस करेंगे एज अ 3. सिक्वेंस क्या है इसका 5. देन 3 पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयर इज 4. देन कंपेरिजन किसके लिए हुआ, 3 के लिए, 3 लेस देन इक्वल्स टू 6. कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन इस केस में चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ इनर लूप. इनर लूप के बॉडी पार्ट में सिक्वेंस 6 अगेन क्या प्रोवाइड हो रहा है, i++. i++ के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5. देन बॉडी के जस्ट बाद कंट्रोल कॉन्स्टेंट होगा इन प्लेस ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, अगेन i++ करें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. वैल्यू ऑफ आई बिकम 6. मीन्स फर्स्ट टाइम इटरेशन कंप्लीट होने के बाद अगेन नेक्स्ट टाइम जब चांस प्रोवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर से 7 का नेक्स्ट सिक्वेंस क्या है इसका 8. इस इनर लूप के केस में जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल एंटर हुआ ना, बार कब तक नहीं आया, जब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता. इन दैट केस अगेन 8th केस में फिर से कंडीशन टेस्ट करेंगे इनर लूप के लिए. इनर लूप के केसेस में सभी इनर लूप क्या है, इट इज अ बॉडी ऑफ आउटर लूप. अगेन i++ पोस्ट, पहले इनर लूप के केसेस में आई के प्लेस पर आई का करंट वैल्यू रिप्लेस होगा विच इज 6. देन रिप्लेसमेंट के जस्ट बाद इमीडिएटली आई में इंक्रीमेंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7. लेकिन कंपेरिजन किस वैल्यू के लिए हो रहा है, अगेन 6 के लिए, 6 लेस देन इक्वल्स टू 6. कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन अगेन चांस किसको प्रोवाइड करेंगे, 9th केस में बॉडी के अंदर क्या है i++, इसलिए फिर से परफॉर्म क्या हुआ, इंक्रीमेंट इन आई. देन बॉडी सेशन के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, अगेन क्या फाउंड हो रहा है i++. तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, वैल्यू ऑफ i बिकम्स 9. देन नेक्स्ट वन 10th केस में क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन. देन 11th केस में अगेन क्या है, कंडीशन टेस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट इंक्रीमेंट, इसलिए पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट, लेस देन इक्वल्स टू 6. कंडीशन बिकम्स फॉल्स.
ये सभी कंडीशन किसका फॉल्स हुआ है, इनर लूप का या आउटर लूप का? जस्ट इनर लूप, इनर लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ, इसलिए कंट्रोल सेंड करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ आउटर इनर लूप्स। सीक्वेंस क्या था रिसेंटली? 11, स्पेशल मार्क करेंगे 12, मीन्स आउटर लूप वन टाइम कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगेन कहाँ सेंड हुआ कंट्रोल? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन ऑफ आउटर लूप, अगेन फाउंड रहा है आई प्लस प्लस कराएं तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11। देन सिक्वेंस क्या है 13, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएं पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले 11 रिप्लेस करेंगे देन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, लेकिन कंपेरिजन किस वैल्यू के लिए होगा? 11 के लिए। कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ सेंड करें? आउटसाइड बॉडी ऑफ आउटर लूप, आउटर लूप के अंदर डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ आई, करेंटली आई में 12 स्टोर है, इसलिए आउटपुट में आई का वैल्यू का प्रिंट होगा, ऑल्सो करेंट वैल्यू इज 12, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम।